की मेरी, एक अन्य की। अब सबसे पहले ये दोनों आपकी हैं, सो ट्राई कर लो, खा लो गाइस। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। रिव्यू तो बताओ ना कैसा बना है। भाजी का पाव तोड़ा, उसके बाद मैंने ये लिया। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। तो मैं आपको आज पाव भाजी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलते हैं पहले किचन में। सो गाइस, पहले मैं कुकर रख देता हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। ये हमारी सब्जियाँ हैं, गाजर, गोभी, आलू, मटर, ठीक है। अब पहले कुकर गर्म होने देती हूँ। और ये हमारे टमाटर, मैं टमाटर का छौंक लगा के पहले इसको सब्जी बनाती हूँ इसकी। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे प्याज और शिमला मिर्च के साथ। तो स्टेप टू स्टेप बताती जाऊंगी मैं, पहले कुकर गरम हो जाए हमारा। सो गाइस, तेल हमारा गरम हो गया, तो इसमें तेल के साथ साथ मैं इसमें बटर भी डालती हूँ थोड़ा। हम इसमें टमाटर डालेंगे, फिर इसके बाद हम अपनी सब्जियाँ फिर 3 या 4 सीटी आने देंगे। इजी से स्टेप बताती हूँ आपको। तो गाइस, इसमें 1 चम्मच डालती हूँ पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच डालती हूँ इसमें मैं धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया, बस घुमा लेते हैं। पहले इसमें सब्जियां डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ। या हमारी आलू, गाजर, मटर, गोभी। सो गाइस, मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो अब भी डाल रही हूँ हल्दी, पहले डालनी होती है ना। और अब डालती हूँ मैं इसमें 1 गिलास पानी। थोड़ा और पानी डालेगा, 1 चम्मच नमक। ये चम्मच तुमने टेढ़ी क्यों कर रखी है? ये पूरी चम्मच आती नहीं है ना इसमें। मेरे को गाड़ी देखनी, गाड़ी सही है? देखो गाइस, ये अपनी गाड़ी और इसको, इनको अपनी गाड़ी में। अरे नहीं, आज मैंने तुमने बोला था ना तुम्हें कुछ खाना है, तो इस वजह से मैंने वहाँ खड़ी कर दी। बट देन फाइनल, सो गाइस मैं बाद में तुमने बताया कि तुम ये बना रही हो। अभी क्या बताता हूं मैं। तो इस वजह से अब हम कहीं नहीं जा रहे, मैं अंदर खड़ी करके आ रहा हूँ। ये मंगा लेते हो, ये खा तो लो। ये क्या फ्रूट आप काट के नहीं देते ना? तो तुम गाइस, 1 गिलास पानी डाल दिया, 1 आधा गिलास और डाल देती हूँ, और बाकी 1 चम्मच मैंने नमक डाल दी है। बाकी अब टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में पता चलेगा नमक ज़्यादा और डालना है या नहीं। तब तक मैं इसमें 4 सीटियाँ लगा देती हूँ, फिर उसके बाद इसको मैश करेंगे। मेरे कुकर का ढक्कन और मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है, मैं लंगड़ाते हुए चल रही हूँ। मैश तो मेरा मन करता है, तो मैं घूसो से धुआं दे दूं तो मैं घूसा ही घूसा। वही है ना, आप सिर्फ बोल सकते हो। देखो ये मसाला लाना भूल गए थे, थोड़ा कम टेस्ट आएगा, क्योंकि ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लाना भूल गए। मेरे को डोंट ब्लेम मी, डोंट। देखो ये गाइस, ये कितना सामान लेकर आया हूं मैं, तुम्हें लगता है मैं जिंजर, अगर तुम उस टाइम पे लिखती तो मैं भूल जाता। तुमने वो उस टाइम, फिर उसके बाद बोला जब गाजर, उसके बाद मैंने चेक, मैंने बोला था, मैंने फिर व्हाट्सएप चेक नहीं करा। गाजर वगैरह कैसे लिया है? क्योंकि ये तो तुमने मुझे यही बोल दिया था ना कि नींबू और गाजर और बोला ना पेस्ट वगैरह सब कुछ। देखना ये तो ये गाजर आर्टिफिशियल नहीं लग रही है, देखना। हाँ, तो ये ऐसी होती है इस मौसम की, ऐसी होती है ना। okay. तो गाइस, मैं कह रही थी आपसे कि मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है, मेरी पट्टी तक नहीं लेके आया, मैं लंगड़ाते तो मैं, यही तो रीजन था कि मैंने व्हाट्सएप खोला नहीं, तुमने जो दूसरी बार भेजा था। अच्छा, पट्टी तो बोल याद था ना कि पहले बोला था कि पट्टी ले आओ। तो देखो, मैं खाने से प्यार करता हूँ, वाइफ से नहीं करता, तो इस वजह से नहीं लाया, सीधी सी बात है। ये भी क्यों रच रहे हो फिर? ये भी क्यों, ये क्यों लेके आए? ये भी मत लाते ना। कुछ नहीं, वो ऐसे ही, और बताओ।
ज्यादा बनने की कोशिश मत करो तुम, ठीक है? तुमने कैमरा अपनी तरफ कर रखा है? तुम्हारी तरफ है? मेरी तरफ है। हाँ। आज मेरे पैरों से अच्छे में बहुत दर्द हो रहा है और आज मेरे 1 लाख होने वाले हैं, तो वैसे तो मैंने डिसाइड करा इंस्टाग्राम तो बोल दो। हाँ, इंस्टा पे 1 लाख होने वाले हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं चाउमीन खाऊंगी, चाउमीन नहीं सॉरी चाप खाऊंगी आज, तो फिर शाम को होंगे वो, तो अभी मैंने सोचा इनको बोला था। नहीं नहीं आज यही है, आज दोनों में मैंने इनको बोला था कि मैं नाश्ते में इनको पाव भाजी खिलाऊंगी, तो आज का नाश्ता इनका पाव भाजी है, सो इसीलिए मैं नाश्ता 12 बज गए नाश्ता। तो आप खाते ही 12 बजे हो? और भी लेट खाते, 2 या 3 भी बज जाते हैं गाइस हमारे नाश्ते को। सो वैसे चाय तो पीते, नाश्ता तो चाय के साथ ही हो जाता है ना, वैसे तो ये तो लंच ही हो गया, तो लंच ही मान के चलो, लंच में हम पाव भाजी खा रहे हैं। वैसे शाम को होएंगे मेरे 8-9 बजे के करीब, या उससे पहले भी 6-7 बजे भी हो सकते हैं 1 लाख। सो मैं सोच रही हूँ कल ही जाएं, कल ही चाय पाव खाऊं। तो गाइस पावर देखो इनकी, बैंक में गए और बैंक को बोला कि हाँ भाई मेरे वाइफ का अकाउंट खोलना। मैंने बोला मेरी वाइफ नहीं आ सकती है तो तुम्हें वहीं जाके खोलना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने कहा, मैंने कहा यार वापस इतना, एक तो मैं वहीं से ही यहाँ पे घर पे आऊँ और फिर मैं तुम्हें लेके भी फिर से वहीं पे जाऊँ। मैंने सीधा बोला यार, मैंने सच्ची में ना, मैंने कहा मेरे को सबसे बोरिंग चीज लगती है बैंकों के चक्कर लगाना, और जब से गूगल पे वगैरह ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आया ना, सबसे बेस्ट लगता है। बैंक में तो कभी जाना ही नहीं होता, 2-3 साल हो गए, मजा आ रहा है यार। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन वाला सिस्टम सही बेस्ट है। बैंकों के चक्कर इस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, ये होता है बिल्कुल ही बोरिंग। सो थैंक यू सो मच हस्बैंड जी, और इसी के लिए मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ आज पाव भाजी का लंच। थैंक यू सो मच गाइस। शिमला मिर्च हमने काट ली है और प्याज भी हमने काट लिया है। क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या कितना कितना लिया है। मैंने 4 आलू लिए हैं, आधी गोभी ली है और 2 गाजर लिए एंड 2 टमाटर लिए और 50 ग्राम, हाँ 50 ग्राम मटर लिए। तो ये मेरी सारी उनकी क्वांटिटी है। और नींबू मैं 2 नींबू लूँगी, 1.5 या 2 नींबू, बस यही हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और एक जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो मैं नहीं डाल पाई क्योंकि अनी नहीं लेके आए। बाकी मसाले भी मैंने आपको बता दिए क्या क्या मसाले डाले। हाँ, एक हमेशा मैं अपनी हर रेसिपी में, हर चीज़ में डालती हूँ एक मसाला, वो मैगी मसाला। तो 1 पैकेट मैगी मसाला मैं इसमें भी डालूँगी, तो सीटियाँ आ चुकी हैं, तो पहले मैं उसको देख लेती हूँ गाइस। सो गाइस थोड़ा सा इसमें मैं तेल डाल लेती हूँ, थोड़ा सा, बटर ज़्यादा डलेगा। अब हम अपना टमाटर प्याज के साथ इस भाजी को जो बनी है कुकर में है उसको इसमें फ्राई करेंगे। बटर डाल दे, अब डालते हैं गाइस प्याज। तो मैंने पहले तेल इसमें क्यों डाला, क्योंकि अगर हम ना इंस्टेंट एकदम से इसमें डालेंगे ना बटर, तो हमारा बटर जल जाएगा, तो इसलिए पहले तेल, फिर या तेल की जगह आप घी भी डाल सकते हो, फिर आप इसमें बटर डालना ताकि हमारा बटर जले ना। तो पहले इसको मैं प्याज को ब्राउन होने दे। तो गाइस थोड़ा पाव भाजी मसाला हमारा इसमें भी डलेगा। हाँ, फिर क्या हो गया इसमें, तो इसमें डालते हैं गाइस कश्मीरी लाल मिर्च, ये स्पाइसी नहीं होती है, कलर के लिए ये होती है। तो मैं इसको अपनी हर सब्जी में भी डालती हूँ इसको, अपनी शिमला मिर्च। सो गाइस हमारे ये भी पक चुकी है हमारी भाजी, अब इसको मैश करती हूँ मैं। पहले इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, फिर इसको ब्लेंडर से मैश करूँगी। वैसे मैशर है मेरे पास पर ज़्यादा गर्म है तो इसलिए मैं जल जाऊँगी, तो इसलिए मैं इसको मैश करूँगी ब्लेंडर से ही। सो गाइस ब्लेंडर हमने लगा लिया, देखो मेरे ब्लेंडर की क्या हालत कर दिया उन्होंने, टेप लगा के ठीक करवाने दिया था, तो मैं मैश कर लेती हूँ इसको। सो दोस्तों हमारी भाजी ब्लेंड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये हमारी भाजी, हम भाजी डाल देते हैं पहले इसमें। सो गाइस हमारी भाजी रेडी होने वाली है, मैं इसमें डालती हूँ पहले नींबू का रस, 1 नींबू डाल रही हूँ मैं अभी, बाद में टेस्ट, क्योंकि नमक कम है पहले नमक भी डालती हूँ। बाकी हमारी भाजी रेडी होने ही वाली है।
हमारा मैगी मसाला। गाइस पाव मैंने सेक लिए, अपना ये प्याज और नींबू रख लेती हूँ मैं, भाजी को गरम कर लेती हूँ, फिर हम अपना सर्व करेंगे अपने पति देव को। सो गाइस हो गया हमारा सर्व, अब लेके चलते हैं पति देव के पास। हाथ जल गया, गरम लग रहा है। आई एम कमिंग। देखो कैसे पड़ मैंने नहीं दिखाया आपको, देखो ये क्या है, टेस्ट करके रख तो देते, रिव्यू तो बताओ ना कैसा बना है। मेरी मैंने तो रंग लाई पाव भाजी का बाइट, अभी बाइट नहीं, अभी पाव भाजी का पाव तोड़ा, उसके बाद मैंने ये लिया। पी लाया कुछ? मस्त मस्त दांसो। फालतू की तारीफ नहीं है, मेरे को रियल जानना है। मतलब फिर मैं तो वही वाला करूं जो पहले करता हूं इतना इतना बढ़िया कौन बनाता है? तो मेरे को ये बताओ, जैसे बाहर की हम जो पाव भाजी वगैरह खाते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसा है? उसके अकॉर्डिंग बेस्ट। बेस्ट मतलब कि कितने खर्चा आया आदमी, सामान जो ले लेके आए हो? ऐसे इसका पाव भाजी का मुझे क्या पता है, ऐसे कितना खर्चा हुआ आपका? जो वो तो पूरा, वो तो अलग सामान भी है ना, मैं बताऊं 40-40 रुपए के तो ये 4 पैकेट ये थे पाव के, ठीक है। और जो बाद में तुमने कॉम्बिनेशन मंगाया 120 रुपए की, वो थी गाजर गोभी और वो नींबू, ठीक है। और तो क्या होता है, 400-500 लग गए होंगे। दो बटर की टिक्की 400-500 लग गए होंगे, उतना भी नहीं 400। तो 400 लग गए हैं। तो गाइस देखो, अगर हम एक प्लेट पाव भाजी लाते हैं तो दो पाव 80 रुपए के हो गए ना, दो पाव, और हम पेट भर के भी नहीं खा पाते। तो यहाँ पे कढ़ाई भर के तो हमारी भाजी हो गई, अभी तो शाम को भी खाएंगे हम कढ़ाई भर के हमारी पाव भाजी होगी, 4 पैकेट हमारे पाव के हो गए। तो मान के चलो अगर हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है ना, और अगर हम बाहर खाते तो 2000 का खर्चा पाव भाजी का, अरे 400, और बिना पेट भरे, और यहाँ 400 रुपए में पेट भर के और बच भी जाएगा। तो अगर मजे से घर में बैठ के खाना है तो यार घर पे बनाना बेस्ट है, और टेस्ट भी बिल्कुल बाहर जैसा ही आता है। मैंने जितनी बार मैंने बाहर पाव भाजी खाई ना, हल्दीराम की भी खाई है, मुझे अपनी पाव भाजी से अच्छा टेस्ट नहीं लगा, सच्ची बताऊँ तो हल्दीराम का भी। देखो गाइस हो गए तो स्टार्ट, इतने हम गाड़ी निकाल लेते हैं अपनी, नहीं तो डर लगा रहता कभी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, इसलिए हम इनको पेडिग्री डाल देते हैं पहले। ये हमारी गाड़ी। सो गाइस नहीं गए हैं दही लेने, हमारी दही ख़त्म हो गई थी ना, तो हम यहाँ से दही लेते हैं, दही की कैन। यादव डेयरी है, यादव डेयरी थी गांव वाले, तो वो दही लेने गए हैं, वो खड़े आपको दिख रहे होंगे। तो गाइस ये ले आए हैं हमारी दही की कैन, 5 किलो की कैन, और ये नहीं चलने वाली हमारी 5 दिन भी पर बढ़िया लगती है ना, है ना टेस्टी, मतलब पुलाव खाने में भी तगड़ा मजा आता है इससे, या जैसा एक... मुझे आपको देखने में ही आता है। क्या है मजा, अंकल है सामने वो तिकाऊ के। तो गाइस फाइनली ये मेरे लिए गर्म पट्टी ले ही आए, क्योंकि मैंने पैर तोड़ा है डोमेस्टिक वायलेंस से। हाँ झूठ बोल रहे हैं गाइस, कुकर का ढक्कन गिर गया था मुझ पे तो अभी ये लेने जा रहे हैं पेस्ट्री, 100K का सेलिब्रेशन मैं पेस्ट्री से करने वाली हूँ, क्योंकि केक खा के हर महीने केक खा के सेलिब्रेशन कर करके बोर हो गए, तो पेस्ट्री खाते हैं। सस्ती भी है हाँ मैं तो सस्ते में काम चला लेती हूँ ना, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं केक लाता हूँ तो मैं अपने के लिए ज्यादा करता हूँ और तुम्हारे के लिए पेस्ट्री? नो नो नो, दिस इज द डिफरेंस यू आर मेकिंग। नो नो, ओके देन आई लव यू बाय। आ गए हमारे पति देव हमारी पेस्ट्री लेके। केक है, तुम कहते हो मैं अपना बड़ा करता हूँ, केक है देखो ये केक है, पेस्ट्री है। थैंक यू। केक खाने का फिर भी वैसे भी मन नहीं है ना, पेस्ट्री अच्छी लगती है। पिछली बार का केक ऐसे रखा है ना, मन उतर गया उससे। सो गाइस पेस्ट्री खाते हैं पहले, और सच्ची में मेरे को पेस्ट्री देख के ना दिल आ गया है, मेरे को इतनी
तुम्हें याद है, इतनी यम्मी तुम्हें लग रही याद है है तुम्हारे बर्थडे वाला केक याद है तुम्हें? हाँ वही, वैसे ही लग रहा है, ये बिल्कुल वही, सेम वही वाली वो है, ये बिल्कुल सेम लग रहा है। हाँ और मेरा बर्थडे वाला केक यार इतना टेस्टी, इतना यम्मी था, हद से ज्यादा। सो गाइस एक पेस्ट्री मेरी, एक अन्य की, अब सबसे पहले ये दोनों आपकी है, सो ट्राई कर लो, खा लो गाइस। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और आपकी जगह अब हम खा लेते हैं, आपकी जगह अब हम खा लेते हैं। मैं पहले पॉसिबिलिटी तो वही है, तो आगे तो कुछ नहीं। पतिदेव को मैं वन बाइट पतिदेव को खिला देता हूँ। ओके मजा आ गया, मजा आ गया। तो पेस्ट्री खा लो, हाँ फिर मैं तो गाइस पेस्ट्री खा लो आप भी, हम भी खा लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हुआ प्रीत के साथ। सो गाइस पेस्ट्री तो हमने एंजॉय कर ली है, पट्टी भी एंजॉय कर ली, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पट्टी एंजॉय कर ली और आयोडेक्स वगैरह लगा के पट्टी करी है, होप सो आराम हो जाए। और आज का व्लॉग बहुत लंबा खिंच गया, सो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, साइनिंग ऑफ नाउ।